हाँ दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और आज बुधवार है। जो अपडेट लेकर आया था, माइनिंग सेक्टर में एक हलचल मची है और माइनिंग सेक्टर में न्यू नोटिफिकेशन आया है जिसमें अभी राइट्स दिया गया है कि अब ऑटो रिन्यू हो जाएगा उनका, उनको जाकर के रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी कोई भी माइनिंग सेक्टर में। तो इससे माइनिंग सेक्टर, मिनरल सेक्टर से जो भी रहेंगे उनको फायदा होने को है। इसमें एनएमडीसी ऑलरेडी आपको कुछ दिनों से गेन दिखा ही रहा था, लेकिन जो गेन नहीं दिखा रहा था वो दिख रहा था हिंदुस्तान कॉपर, और इसमें कहीं नहीं लगता है कि अभी यहाँ दिखाना गेन बाकी है। ये दोनों पे अगर वाच रखे, हिंदुस्तान कॉपर और एनएमडीसी, तो मुझे ऑलरेडी एनएमडीसी 116 तक के लिए जा सकता है, ऑलरेडी 96 पे है, अच्छा खासा बढ़ चुका है ये। आप इसके बॉटम को देखेंगे तो एनएमडीसी के बॉटम यहाँ पे देखेंगे, ऑलरेडी ये बॉटम बना करके 81 से 96 जा चुका है, और अपने न्यू हाई को ये अगर 116 115 को बनाए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, जो कि बन जाएगा। और अगर ये किसी तरह से इसको क्रॉस करता है तो फिर आपको यहाँ पे 158 का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। रीज़न क्या है? रीज़न है सिंपल सा कि गवर्नमेंट एमेंड्स MMRDA एक्ट NMDC टू री गेन आयरन और माइन इन डोनी मामला लिए। तो ये मुंबई में 1 अक्टूबर को पेश हुआ है। एनएमडीसी हैज बिन द लीज होल्डर फॉर द डोनी मालाई आयरन और माइन सिंस 1968, बट वहाँ पे एक साल से, अभी 2018 से बंद था। इन ए मेजर रिलीफ टू नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अमेंड द मिनरल माइनिंग ऑपरेशन रूल्स 2015 एंड मेड रिन्यूअल ऑफ माइनिंग लीज ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज मैंडेटरी विदाउट गोइंग थ्रू द ऑक्शन प्रोसेस। ऑटोमेटिक हो जाएगा इंडेटरी, मे की जगह सेल का यूज किया गया है, मैंने किया भी जा सकता था, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती थी रिन्यू और नहीं भी कर सकती थी, अब इसको हटा दिया गया है, ऑटो रिन्यू हो जाएगा। दी अमेंडमेंट इफेक्टेड थ्रू नोटिफिकेशन शेयर द स्टेट गवर्नमेंट अपॉन रिसीविंग एन एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ माइनिंग लीज बाई द गवर्नमेंट कंपनी सेल्फ फॉर रीजन टू बी फोर्स्ड इन राइटिंग एक्सटेंड द पीरियड ऑफ माइनिंग लीज फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स एट ए टाइम। एज पर द ओल्ड नॉर्म्स द वर्ड मे वॉज यूज इन प्लेस ऑफ सेल, गिविंग स्कोप फॉर वेरियस इंटरप्रिटेशन बाई द स्टेट गवर्नमेंट। द न्यू अमेंडमेंट पेव्स वे फॉर रिन्यूअल ऑफ NMDC आयरन और माइनिंग लीज एट ए डोनी मलाई इन बेलेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। NMDC सस्पेंडेड ऑपरेशन एट द माइन आफ्टर इट्स लीज एक्सपायर इन नवंबर 2018 में इनका एक्सपायर कर गया था, एप्लीकेशन पेंडिंग था और वो पेंडिंग चल रहा था। इस नोटिफिकेशन के बाद ऑटो रिन्यू हो जाएगा इनका। NMDC हैज बीन लीज होल्डर फॉर डोमिनानी आयरन और माइन सिंस 1968। लास्ट नवंबर द कर्नाटक गवर्नमेंट इशूड ए लेटर ऑफ फॉर एक्सटेंशन ऑफ द लीज फॉर 20 ईयर्स ऑन ए कंडीशन दैट द स्टैंड ऑन कंपनी शुड पे ए प्रीमियम 80% ऑन द सेल वैल्यू ऑफ द मिनरल एज डिटर्माइंड बाय द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। तो NMDC चैलेंज द प्रीमियम डिमांडेड इन द कर्नाटक हाईकोर्ट पटिशन। इन जुलाई हाईकोर्ट सेट असाइड द कंडीशन फॉर द प्रीमियम। सब्सिक्वेंटली इन अगस्त कर्नाटक गवर्नमेंट विथड्रॉ द अप्रूवल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द लीज एंड डिसाइडेड टू ऑक्शन द आयरन और माइन एज पर द माइनिंग एंड मिनरल रेगुलेशन एक्ट। जब वहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट ने 80% सेल का प्रीमियम मांगा तो उन्होंने चैलेंज किया। जब उन्होंने चैलेंज किया तो स्टेट गवर्नमेंट ने उनके ऑटो रिन्यू को विड्रॉ कर लिया और उनको बोला कि वो एज पर रूल्स माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत काम करेंगे। NMDC मूव द रिविजनरी अथॉरिटी इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तब NMDC मूव किया इसको, यूनियन मिनिस्टर सेंट्रल में मूव किया। विच एग्रीड टू हियर द केस इफ कर्नाटक गवर्नमेंट विड्रॉ द प्लान्स टू ऑक्शन द माइन एंड स्टे फर्दर प्रोसीडिंग इन द केस एंडिंग द स्टेट सेटलमेंट। द सेंट्रल ऑन 27 सितंबर अमेंड द MMRDA एक्ट एंड इंश्योर द NMDC लीज इज रिन्यूड विद सेवरल माइन लीज ओन बाय NMDC एंड मोबाइल माइनिंग कमिंग्स अप फॉर ए रिन्यूअल ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पास्ड ए क्लियर मैसेज टू स्टेट गवर्नमेंट एंड इंश्योर दैट रिन्यूअल ऑफ माइन लीज ओन बाय द गवर्नमेंट कंपनीज इन द फ्यूचर आर नॉट जियोपडाइज। उन्होंने क्लियर कर दिया, चाहे वो NMDC के लिए हो चाहे मोबाइल के लिए है, क्लियर कर दिया है, जो कि मोइल का भी आने वाला रेन्यू के लिए, कि किसी भी अपनी इन इंटरनल पॉलिसी के कारण से गवर्नमेंट कंपनी को किसी भी तरफ फ्यूचर बर्बाद नहीं होना, नॉट जोपडाइज नहीं होना चाहिए। तो क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया। तो यहाँ पे मिनरल में आते हुए आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर की जो क्षमता है यहाँ पे हो सकती है 5 टाइम्स इंक्रीज करने को आपको दिख सकती है। तो हिंदुस्तान कॉपर में एक स्कोप है
ऑलरेडी देखिए हिंदुस्तान कॉपर इज एंगेज इन द प्रिंसिपल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी आर एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन माइनिंग ऑफ कॉपर और कॉपर एंड इंक्लूडिंग बेनिफिट्स ऑफ मिनरल्स एंड स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग सोर्स। तो ये इसकी मार्केट कैप है 3,127 करोड़, बुक वैल्यू 17, करंट प्राइस 33 का चल रहा है, 53.27 का है, तो 27.85 के सपोर्ट लॉस में 27 के स्टॉप लॉस इसमें बने रहे और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपको 60-90 की ओर जाता हुआ दिख सकता है। ऑलरेडी देखेंगे डेप्ट इसमें 1,070 करोड़ का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 500 करोड़ का है, मार्जिन 28% का है, प्राइस टू कैश फ्लो शिफ्ट 12% है, बहुत अच्छा माना जाता है, 10 के आसपास मिलता है तो ये बहुत अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज जो 5% है, प्रमोटर होल्डिंग 76% है, तो कहीं से भी ये कहीं पे भी खराब दिखने को नहीं मिलता है। हाँ जरूर एनएमडीसी को भी देख लेना चाहिए, एनएमडीसी भी ये गवर्नमेंट कंपनी, एनएमडीसी इंगेज इन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर अलॉन्ग विद द डायमंड प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ स्पंज आयरन एंड जनरेशन एंड सेल ऑफ विंड पावर। ये भी 29,516 करोड़ की कंपनी है, डेप्ट इसके पास कुछ भी नहीं, 364 करोड़ का, जबकि 7,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,352 करोड़ का है। ये प्राइस टू कैश वैल्यू उससे भी सस्ता मिल रहा है, 7.29 पे मिल रहा है, ये और भी अच्छा है एनएमडीसी। तो दोनों पे चार्ट लेके आया था, एनएमडीसी और हिंदुस्तान कॉपर, दोनों आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। और अगर यहाँ से हिंदुस्तान कॉपर जो आपको देखा सपोर्ट ले लेगा आपके 27 का, और 27 का सपोर्ट लेते ही ये 101 की ओर जाते हुए आपको दिखेगा कमिंग डेज में। और एनएमडीसी यहाँ पर ऑलरेडी ये इसमें ग्रोथ आ चुकी है, न्यूज आ चुका है, पहले से मालूम है सबों को, ये पहले से न्यूज आ चुका है, ये कभी भी आपको रिन्यू आते हुए 115-116 की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है। तो दोनों में ध्यान रखें, एनएससी हिंदुस्तान कॉपर में भी ध्यान रखें, डिलीवरी परसेंटेज 19% के आसपास चली रही है इसमें, तो कहीं ना कहीं आप इसमें देखेंगे कि डिलीवरी यहाँ 42% है, देखिए 3 डेज में 42, 37, 39 की डिलीवरी परसेंटेज चल रही है। तो और एनएमडीसी में भी देखेंगे तो एनएमडीसी में भी देख लीजिए 29,516 और यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज देखिए 23, 24, 24, तो कहीं ना कहीं डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छी है। तो ये दोनों हिंदुस्तान कॉपर और एनएमडीसी, और आपको खुद न्यूज़ ने बताया मोबाइल, तो ये जितने भी एनएमडीसी मोबाइल हिंदुस्तान कॉपर ये सब पे आप देख सकते हैं, उसमें हिंदुस्तान कॉपर मुझे अच्छा लगता है, लगता है इस पर अभी इसमें प्राइस एक्शन चालू नहीं हुआ है, जो हो सकता है तो लॉन्ग टर्म बेट से इसको रख सकते हैं और ये वापस आपको कहीं ना कहीं 300 की ओर जाते हुए दिखेगा। पहले तो ये क्रॉस करेगा 107 और यहाँ से क्रॉस करने के बाद ये 300 की ओर जाते हुए दिख सकता है। लॉन्ग टर्म के बेट से 4 से 5 साल के लिए हिंदुस्तान कॉपर डिविडेंड पेइंग कंपनी है, आपको यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ये अब डिविडेंड पेइंग 1.5% का डिविडेंड पे करती है, एनएमडीसी 5.73 का डिविडेंड पे करती है, तो डिविडेंड पेइंग है, सेल्स ग्रोथ 23% का इसका, इसका 20% का है, तो ये सब कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में अगर हो तो ये गवर्नमेंट जो ने नोटिफिकेशन निकाला है वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रीव्यू से बाहर हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपको फायदा देखने को आगे मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इस पे आपको वॉचलिस्ट रखना चाहिए, मोबाइल एनएमडीसी हिंदुस्तान कॉपर पे आपको स्टडी करनी चाहिए, और अगर अच्छा लगे तो मार्केट में पोजीशन को देख के वॉचलिस्ट में रख के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके पोजीशन बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।